अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूब गया था। दावा किया जाता था कि यह जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद समुद्र में समा गया। अब एक बार फिर टाइटैनिक की चर्चा हो रही है। दरअसल टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में लापता हो गई थी। अब ओशियन गेट ने पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। अब इस हादसे के बाद कुछ लोग इस एडवेंचर की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस स्थान को कब्रगाह माना जाना चाहिए, लेकिन उसे दिखाने लोगों को ले जाया जा रहा है। कुछ लोगों ने इस तरह के एडवेंचर ट्रेवल को सुसाइड मिशन बताया है। अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज की करीब 111 साल से चर्चा हो रही है। टाइटैनिक जहाज के 4 रहस्यों से आज तक कोई पर्दा उठा नहीं पाया है। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं रहस्यों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देरी किए बिना शुरू करते हैं उस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। अटलांटिक महासागर में डूबने वाला टाइटैनिक जहाज हादसे के वक्त 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा था। टाइटैनिक साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में डूबा था। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक के डूबने को अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। सितंबर 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था। अटलांटिक महासागर में समुद्र तल से 2600 फीट नीचे मिला था यह मलबा। अमेरिका और फ्रांस ने इसे खोजने का काम किया था। अमेरिकी नौसेना ने इसे खोजने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हेलीफॉक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मलबा पाया गया था। 2 टुकड़ों में जहाज मिला था और दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े थे और आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्यों डूबा था यह जहाज। दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि वह कभी नहीं डूब सकता। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की रिपोर्ट में कई जानकारियां दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को बनाया गया था। इससे अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो भी उसका एक भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इस तरह जहाज को डिजाइन करने के बाद भी वो कैसे डूबा, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए। कई थ्योरी में कहा जाता है कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख हो गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अटलांटिक महासागर में ज्यादा स्पीड में जहाज चलने पर सम्मान मिलता है, इसमें एक ब्लू बैंड दिया जाता है। कई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जाता है कि टाइटैनिक भी इस सम्मान का हकदार था। इसकी वजह से ब्लू बैंड को पाने के लिए अटलांटिक महासागर में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया था। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा पर था। टाइटैनिक स्पीड को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दर्दनाक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इतने लोगों की मौत की वजह उस समय लाइफ बोट की संख्या और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी। ऐसे में इतने लोगों की मौत को लेकर उठने वाले सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वह अटलांटिक को जल्द से जल्द पार करना चाहते थे। इसकी वजह से वह तेज स्पीड में जहाज को चला रहे थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन स्मिथ कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से जहाज की स्पीड बढ़ गई थी। इसलिए टाइटैनिक स्पीड पर भी सवाल खड़े होते हैं।